अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज नौ ज़िलहिज्जा है, 20 जुलाई है। उधर मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से बड़ी खबर आ रही है कि मेरठ के महल्ला कचवाला पुल के इलाके में गम का माहौल है, क्योंकि 10 साल एक बच्चा कल नाले में डूबा था, आज उसकी लाश मिली है। बच्चे के बाप का नाम है मोहम्मद तस्लीम। ये वाक़या मेरठ का जो कचवाला पुल है, गली नंबर 6 का है, जहाँ मोहम्मद तस्लीम रहते हैं। उनका 10 साल बेटा कल दिन में किसी वक्त नाले में गिर गया था, नाला गहरा है, और उसकी लाश आज सुबह मिली है, क्योंकि बच्चे का हाथ ऊपर किसी को नज़र पड़ गया, बच्चे का हाथ दिख गया नाले में निकला हुआ, तो आज लाश मिल गई। इस खबर के लिए मेरठ से सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ हाफिज़ मोहम्मद अमन जुड़े हुए हैं। मौके की चंद तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरठ में काफ़ी गम का माहौल है। मौके पर हाफिज़ शमसुर्रहमान उस्मानी और हाफिज़ अब्दुल अलीम पहुँचे हुए हैं। उधर वहाँ दारुत तरबियत के मोहतिम कारी इफ्तिखार रहमानी ने मोतज़ीस्त के हवाले से, गम के हवाले से और अल्लाह के इनाम के हवाले से, मसाइब परेशानियों के हवाले से थोड़ी बातचीत भी की है, और हाफिज़ अमन साहब ने अमन व शांति की सलामती की दुआ भी कराई है। तो इस तरह का मेरठ में गम का माहौल है। 10 साल बेटा कल डूब गया है नाले में, आज उसकी लाश मिली है, और नाला 10-15 फीट गहरा बताया जा रहा है। बहरहाल मेरठ के इस कचवाला पुल में गली नंबर 6 में फ़िलहाल गम का माहौल है। मौके की दो तस्वीर हम पेश कर रहे हैं।